फेस प्रोडक्ट्स मंगवाए थे और इस बार जो है मैंने अपने लिए लिपस्टिक ग्रीटर आई और आई पैलेट और फेशियल किट तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपने लिए जो है ऑर्डर करवाई है और इस टाइम भी मैंने बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए कम से कम मैंने आठ नौ हज़ार रुपये अपने जो है मेकअप प्रोडक्ट्स पे ही खर्च कर दिए क्योंकि मैंने जो है काफ़ी टाइम से अपने लिए मेकअप के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं लिए थे तो इस टाइम जो है मैंने अपने लिए काफ़ी सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स लिए हैं सो so, वही मैं हॉल आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ और मैंने अपने लिए जो है काफ़ी दो तीन जो है ग्लिटर आई शेडो मंगवाए हैं इन जो है ग्लिटर आई शेडो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं और ग्लिटर आई शेडो जब आप लगाते हैं उसके अलावा आपको कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है बहुत ही अच्छा लुक जो है क्रिएट हो जाता है तो अभी भी मैंने जो है अपना जो नया वैटर्न वाइल्ड का ग्रीन कलर का जो मैंने आई शेडो मंगवाया है वो मैंने अभी इस वक्त लगा रखा है अपने ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन में तो बहुत अच्छा लग रहा है ये वेटर्न वाइल्ड का ग्रीन आई शेडो सो या ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं लेट्स के स्टार्ट विद अ वीडियो गाइस फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने मंगवाया है वो है ये के ब्यूटी का uh, काजल और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट काजल है अभी मैं uh, जो है इसे ही यूज कर रही हूँ और ये बहुत अच्छा है बिल्कुल भी जो है फैलता नहीं है बहुत अच्छा जैसे हम लगाते हैं आइज में वैसे ही रहता है और इसके अलावा जो है मैं फेसेस का फेसेस का जो है काजल यूज़ कर रही हूँ अभी मैंने इस वक्त वो लगा रखा है सो so, ये भी अच्छा लगा है मुझे और उसके अलावा मुझे ये के ब्यूटी का काजल जो है बहुत ज़्यादा पसंद है ट्रेंडिंग में अभी इसे ही यूज़ कर रही हूँ नेक्स्ट मैंने मंगवाया है लॉरियाल पेरिस का रफ़ सिग्नेचर लिपस्टिक और ये शेड मैं आपको बता देती हूँ ये शेड है uh, 114 हंड्रेड तो ये जो है ब्राइट पिंक कलर का जो है लिपस्टिक है और बहुत सुंदर लिपस्टिक है ये जो सारी लिपस्टिक है मैं ट्राई कर चुकी हूँ और इसका जो टेक्सचर है वो इस टाइप का है ज़्यादा जो है प्रॉपर मैट में नहीं है थोड़ा सा जो है है तो मैट में ही लेकिन प्रॉपर वाला बिल्कुल जिसे कहते हैं सुखा देता है उस टाइप का नहीं है काफ़ी अच्छा लिप शेड मुझे ये लगा है और ये लॉरियल का जो है बहुत ही सुंदर ब्राइट पिंक कलर है जो मैंने अपने लिए मंगवाया है और मेरे फेस पे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है सो so, नेक्स्ट मैंने अपने लिए मंगवाया है नाइका मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक और ये जो शेड है वो है चाय और ये कुछ जो है ब्राउन सा शेड है मुझे ब्राउन शेड काफ़ी पसंद है ज्यादातर जो है मैं ब्राउन लिपस्टिक ही लगाती हूँ इस टाइप के ब्राइट कलर्स कम लगाती हूँ लेकिन इस टाइम मैंने जो है अपने लिए ब्राइट कलर्स भी ऑर्डर करवा लिए हैं सो so, ये नायका का चाय शेड है जो मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाया है और ये मेरे स्किन टोन पे काफ़ी अच्छा सूट होता है पहले मैं सोचती थी मेरी स्किन टोन पे जो है आ, कुछ ही कलर लिमिटेड कलर ही सूट होते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे फेस पे जो है सारे कलर ही सूट होते हैं ऐसा मुझे लगता है और मुझे अच्छा लगता है सो या ये मैंने अपने लिए मंगवाया है लिप्स लिपस्टिक नायका का सो so, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मैंने अपने लिए मंगवाया है नायका से दो लिपस्टिक और ये लिपस्टिक जो है ब्लू हेवन की है लिप uh, कलर और एक जो है शेड नंबर है इलेवन और एक है शेड नंबर ट्वेल्व तो ये जो है न्यू टाइप का शेड है और ये वाला जो है ग्रेश टाइप का शेड है इस टाइम मैंने ये अप्लाई कर रखा है और ये मेरा इन सब लिपस्टिक में बहुत ज्यादा फेवरेट हो रखा है इस वक्त तो आप देख सकते हैं ये ये वाला लिप शेड है और ये बहुत सुंदर लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जो एप्लीकेशन है मतलब इसको लगाने के बाद जो लिप्स है प्रॉपर ज़्यादा बहुत ज़्यादा सूखे टाइप के नहीं हो रहे हैं अच्छे लिपस्टिक हैं और काफी अफोर्डेबल है वन हंड्रेड का एक लिप शेड मुझे ये पड़ा था और ये नायका के मेट वाले लिपस्टिक ये मे बी थ्री कुछ अराउंड का था और ये लॉरियाल का सिक्स फिफ्टी के अराउंड था इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और के ब्यूटी का काजल तो आप चेक कर सकते हैं इसका मुझे प्राइस रिमाइंड नहीं है इसका प्राइस में भी हो सकता है टू हंड्रेड और टू फिफ्टी समथिंग तो या नेक्स्ट मैंने मंगवाए हैं अपने लिए ग्लिटर वाले आई शेडो और ये जो फर्स्ट मैंने आपको दिखाया है ये है वेटर्न बाइल्ड का ग्लिटर आई शेडो ये है इसका जो प्राइस है वो फाइव हंड्रेड रुपीज है और आप देख सकते हैं मैंने इसको अभी अपनी आईज पे लगा रखा है काफी अच्छा लुक क्रिएट करेगा जिनको जो है आई शेडोज अच्छे से लगाने नहीं आते हैं वो ये ले सकते हैं सिंपल पार्टी पार्टीवेयर भी यूज करने के लिए काफी अच्छा आई शेडो है नेक्स्ट मैंने अपने लिए मंगवाया है निका का ये रेडियंट लिक्विड आई शेडो और ये है पिंक कलर में तो ये भी काफ़ी अच्छा आई शेडो है नेक्स्ट मैंने मंगवाया है अपने लिए सफारी लिक्विड आई शेडो ब्लू हेवन का और ये प्रॉपर जो जिसे कहते हैं गोल्ड आई शेडो है तो काफ़ी अच्छा जाएंगे ये तीनों पार्टी वियर में नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मैंने मंगवाया है अपने लिए आई शेडो पैलेट और ये आई शेडो पैलेट जो है स्विस बीटी का प्रोफेशनल आर्टिस्ट आई शेडो पैलेट है और इसमें जो है ट्वेंटी फोर कलर्स हैं तो मैं आपको उसको दिखा देती हूँ कि किस टाइप का ये आई शेडो पैलेट है और इसे मैंने यूज भी कर लिया है काफी पिगमेंटेड इसके शेड्स हैं और इसमें बहुत सारे आपको शिमरी शेड्स भी मिलेंगे और देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप के इसमें शेड्स दे रखे हैं और इसमें काफी अच्छे ब्राइट ब्राइटनिंग शेड्स हैं तो मुझे इस टाइप का ही जो आई शेडो पैलेट है अपने लिए चाहिए था और ये आई शेडो पैलेट मुझे पड़ा है सिक्स या सेवन हंड्रेड रुपीज का या और ये जो शेड है ये जीरो वन है इसमें काफी सारे शेड अवेलेबल हैं नायका पे तो मैंने जो है अपने लिए शेड जीरो वन मंगवाया है नेक्स्ट चलते हैं पर्पल की तरफ तो पर्पल से मैंने अपने लिए जो है एक गुड वाइब्स की पपाया फेशियल किट मंगवाई है सो so, अभी तो मैं पार्लर नहीं जा रही हूँ पार्लर खुल चुके हैं लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ तो मैं घर पे ही अपना फेशियल कर लेती हूँ तो अभी मैंने जो है अपने लिए गुड वाइब्स का ये जो कौन सा वाला है आ, पपाया वाला जो है अपने लिए फेशियल किट मंगवाया है तो मैं इसको जल्दी ट्राई करने वाली हूँ और गुड वाइब्स के प्रोडक्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं पर्पल पे जो है काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं तो नेक्स्ट मैंने मंगवाई है बेला बोस्टे की अल्टीमेट लिक्विड लिपस्टिक्स और ये शेड जो है फोर्टीन कैरट शो है और ये काफी अच्छा जो है ब्राइट रेड शेड है तो मेरे पास रेड शेड काफी सारे हैं लेकिन एक मुझे प्रॉपर जिसे कहते हैं ब्राइट रेड चाहिए था तो वो कुछ इस टाइप का जो है ये शेड है तो इसको स्वेच करके मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस टाइप का शेड है तो आप देख सकते हैं ये प्रॉपर जो है रेड शेड है काफ़ी अच्छा शेड मुझे लगा है दोनों मैंने लगा लिए हैं लेकिन इसको लगाने से पहले आप लिप बाम जरूर अप्लाई करें क्योंकि ये प्रॉपर मैट में है और काफ़ी अफोर्डेबल लिपस्टिक हैं ये ये मुझे 165 या 170 की पड़ी हैं नेक्स्ट मैंने जो है बेला वोस्टी की एक और लिक्विड लिपस्टिक मंगाई है और इसका शेड जो है ज़ीरो फोर सिनमन है तो ये कुछ इस टाइप का शेड है ये भी काफ़ी अच्छा है मैं प्रॉपर कलर तो नहीं बता सकती हूँ किस टाइप का शेड है लेकिन हाथ स्वैच करके ज़रूर दिखा देती हूँ किस टाइप का शेड है ये सो so, कुछ इसको कह सकते हैं हम बरगंडी काइंड शेड है ये तो आप देख सकते हैं सेकंड वाला शेड तो ये कुछ इस टाइप का बेला वोस्टिक का लिक्विड लिपस्टिक है नेक्स्ट मैंने मंगवाया है आई एम साडैम का वाइट काजल सो वाइट काजल भी अभी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट आई लुक क्रिएट करने के लिए तो मुझे चाहिए था मेरे पास था वाइट काजल लेकिन वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था तो इसीलिए मैंने ये आई एम साडैम का जो है वाइट काजल मंगाया है और ये वन सिक्सटी का है और काफ़ी अफोर्डेबल वाइट काजल है और काफ़ी अच्छा लग रहा था मैंने कल परसों ये अपना लगाया था तो काफ़ी अच्छा जो है ये इस टाइप का प्रॉपर वाइट काजल है सो so, ये है आई एम्स डैम का मैंने मंगवाया है अपने लिए एन वाई का नेल रिमूवर और सब चीजें मेरे प्रोडक्ट्स जो है खत्म हो चुके हैं तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने जो है अपने लिए ऑर्डर करवाए थे नायका और पपल से सो so, ये प्रोडक्ट जब मुझे रिसीव हुए थे सबको सैनिटाइज मैंने करा था उसके बाद मैं प्रोडक्ट्स यूज़ करा था और पहली चीज़ ये कि जब मुझे ये पर्पल का जो प्रोडक्ट बॉक्स जो है रिसीव हुआ था उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि अंदर के जो प्रोडक्ट्स है वो सारे सैनिटाइज है सिर्फ आप बॉक्स सैनिटाइज़ कर सकते हैं तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उनको बाहर से भी बॉक्स को भी सैनिटाइज करो अंदर से भी सैनिटाइज करो लेकिन ये लोग पहले से सैनिटाइज करके भेज रहे हैं ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने अपने लिए मंगवाए हैं और डिफरेंट डिफरेंट लुक क्रिएट करने के लिए सो so, अगर आपको मेरी ये छोटी सी हॉल पसंद आई है तो मेक श्योर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें जिससे आप मेरी सारी नोटिफिकेशन पे अपडेटेड रहेंगे और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें जिसपे मैं अपनी काफ़ी सारी पोस्ट जो है शेयर करती हूँ और मैं आप सोच रही हूँ कि आप लोग के साथ कुछ अपने नायका के जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाए थे उनके रिव्यू आप लोग के साथ शेयर करूँ क्योंकि उनमें से मैं काफ़ी प्रोडक्ट्स जो है यूज़ कर चुकी हूँ हेयर स्पा हो गया और मैंने एक पैक मंगवाया था अपने लिए हेयर पैक मंगवाया था उसका रिव्यू मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी तो गाइज अब मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर